भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से द्वारकाधीश टेंपल में स्वागत है आप सबका। जय की दुनिया से दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ कर के द्वारका गए थे। ये मंदिर बनाया था भगवान के पड़पौत्र वज्रनाभा ने। तो आइए दोस्तों, चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर के अंदर। आरती का समय नोट कर लीजिए। ये मंदिर सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक खुलता है और फिर शाम को 4:30 से 7 बजे तक खुलता है। टाइम नोट कर लीजिए, इसलिए मैंने आपके स्क्रीन पे लगा रखा है। तो चलिए आइए चलते हैं मंदिर के। बहुत ही पवित्र मंदिर है, 5000 साल पहले का मंदिर है। बीच में मरम्मत भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये वो पावन धरती है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के द्वारका गए। दोस्तों नमन कर लीजिए ठाकुर जी को। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। कैमरा अलाउड नहीं है, मैं आपको जूम करके ठाकुर जी के दर्शन करवाऊंगा फ्रेंड्स। राधे राधे, राधे राधे। ठाकुर जी हैं और राधा रानी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ब्रज में हम राधा राधा राधे राधे बोलते हैं और गुजरात में श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलते हैं। चीज़ दोनों सेम है, बस जगह का फर्क है। मंदिर के आर्किटेक्चर देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत मंदिर सजाया हुआ है, एकदम किसी पैलेस की तरह। ठाकुर जी का ये पैलेस है दोस्तों, ये देखिए आप नजारा। मंदिर के कपाट बंद होते हैं, खुलते हैं। जय ठाकुर जी। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि ठाकुर जी के कपाट क्यों बंद किए जाते हैं, क्यों खोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक भक्त ठाकुर जी को बोला, आप मेरे साथ चलिए, और ठाकुर जी प्रेम देखते हैं और प्रेम से उसके साथ चले गए। तो इसके लिए बार बार कपाट बंद करते हैं कि ठाकुर जी को कोई प्रेमी वापस न लेके जा सके। दोस्तों ऐसा माना जाता है, मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई है, लेकिन ठाकुर जी तो प्रेमी का प्रेम देखते हैं। ये मंदिर का मैं आपको चारों तरफ का दृश्य दिखा रहा हूँ, सजावट दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ ऑफिस भी है इनका। चलिए आइए हम परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी के मंदिर की। बहुत बड़ा कंपाउंड है ये। भक्तजन आते हैं और दोस्तों यहाँ पर शालिग्राम जी का भी मंदिर है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, शालिग्राम जी विष्णु भगवान है। तुलसी माता के श्राप से ये शालिग्राम बने। तुलसी माता भी लक्ष्मी जी माता का ही अवतार है। जय शालिग्राम, जय कृष्ण जी। तो आइए हम मंदिर के परिक्रमा करते हैं। मंदिर में जगह जगह से लोग आते हैं, पूरे भारत से दोस्तों यहाँ पर लोग आते हैं। गुजरात से स्पेशली बहुत आते हैं, बसें भर के आते हैं। गुजराती बहुत मानते हैं इस मंदिर को दोस्तों। वैसे तो पूरे इंडिया में ही इस मंदिर की मान्यता है, लेकिन मैंने देखा गुजराती यहाँ पे आते हैं, 15-15 दिन, 1-1 महीना रुकते हैं फ्रेंड्स। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। जुलाई अगस्त के महीने में हिंडोला का फेस्टिवल होता है, जब ठाकुर जी और राधा रानी की मूर्त को बाहर लेके आया जाता है मंदिर से, उनको झूला दिया जाता है। यहाँ पर दिए जलते हैं, आप दिए प्रज्वलित करिए, ठाकुर जी के मन्नत मांगिए, आरती करिए। लोग यहाँ पर बहुत श्रद्धा से आते हैं भक्तजन, ठाकुर जी उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सारे कष्ट दूर करते हैं।
बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। कहते हैं कि साक्षात ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान है। वृंदावन में बांके बिहारी जी टेंपल में और यहाँ पे द्वारकाधीश टेंपल मथुरा में साक्षात विराजमान है। फ्रेंड्स, ठाकुर जी के इस मंदिर से मैं आपसे विनती भी करता रहूं, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखिए और जय की इस दुनिया को, आपकी अपनी दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर उसका उत्तर दूंगा। तो ठाकुर जी के मंदिर से वापस मैं एक बार आपको राधे राधे बोलता हूँ। राधे राधे।